बात पे फैसला ये हुआ कि एक हफ्ता तुम्हारे पास रहेगी, एक हफ्ता तुम्हारे पास। सैटरडे संडे आती है मेरे पास क्योंकि स्कूलिंग, उसने बोला अगर तुमने मुझसे इस बात पे बहस करी कि स्कूलिंग तुम्हें करनी है, मैं एक और केस कर दूं। तो पता चलते हैं एकदम से हाथ में लेने के बाद पता चलता है, है ना। वीडियो में फोन हाथ में लेने के बाद अगर आप हाथ में लेके देख रहे हो तो पता चलते हैं 20 सेकंड्स। बाहर क्यों निकलती हो हाथ में लेकर? बाहर थोड़ी निकलती, तो अकेले बैठ के देख रही हूँ यार, अकेले बिस्तर पर। हाँ, इसलिए हम बोल रहे हैं बाहर नहीं निकलना चाहिए, चोरी डकैती होती है। कराची है ये, मतलब लाहौर में भी माय फुट के साथ हो गई थी डकैती, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती दूसरे फुट के साथ? ये तो हमारा हंसी मजाक था, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत नाराज हूँ। यार मैंने क्या किया है? तुमने बस जो किया है बताने लायक नहीं है। क्यों? बता दू? बता दे, बता दू प्लीज। नेशनल टेलीविजन पर। हाँ बता दे। तुमने मेरे शो पर आकर एक स्टेटमेंट बोला था। हाँ। फिर तुमने कहीं और जाकर दूसरा स्टेटमेंट बोला। फिर हम पर्सनली मिले। हाँ। ये भी है। हाँ। तो स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट, आपको वाला स्टेटमेंट, जज साहब आपने मुझे कहीं ना कहीं झूठा करार कर दिया। नहीं, मैंने कब झूठा करार किया? अगर मैं झूठी होती तो मैं आपके पास, हमारे पास है वो वीडियो क्लिप। नहीं, वीडियो क्लिप है? नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, मैं आपको दिखा दूँ। नहीं, देखने पर यकीन आता है। ओके, पार्ट वन। अच्छा, आप सारे पार्ट सिखाएंगे? सारे पार्ट जो रोशनी में सब दिखेगा यार। मेरी जान, एक होता है दाल में कुछ काला, एक होती काली दाल वो भी झल जाए, तो ये बताओ बड़ी मेरी दाल ही काली है पूरी। नहीं मतलब ये पता है क्या था, जो दूसरा वाला वो जो मैंने आपके यहाँ पे बोला था वो मैंने सच बोला था, उसके बाद हम मिले थे वो सब सच सच था। okay. जो मैंने मतलब स्टार्ट में बताया था वो सब ओके था, बिल्कुल सच था। उस जो दूसरा वाला जो था ना, उसमें ये हुआ था कि अहमद मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला यार मुझे ना, मुझे एक ऑफर मिली है कि अगर मैंने पहले बहुत बुरा भला कहा है, अगर मैंने माफ़ी मांग ली ना तो मुझे मेरी बच्ची मिल जाएगी। अब मैं तो कुछ भी कर लूँगी ना, वो जो बोलेगा कि तुम्हें ये करोगी तो तुम्हें ये मिल जाएगी, तुम्हें कोई लड़ाई वड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अहमद को बोला, अहमद बोला ठीक है मैं मर्द हूँ, मैं मर्द का साथ लूँगा, मैं मर्द का साइड लूँगा, और तुम्हें जो हूँ मैं गंदा करूँगा, और तुम्हें जो है ना बस माफ़ी मांगी ना तो तुम अपने आप को खुद ही बुरा करना, और तुम बोलना अब कि मेरी गलती थी ये थी वो थी। मैंने कहा शायद मैं ऐसा करूँगी तो मुझे मिल जाएगी, तो मैंने ऐसा किया और ये सारा स्क्रिप्टेड था कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, अहमद से डिस्कस किया, अहमद ने बोला ऐसे ऐसे करेंगे, मैं मर्द हूँ, मर्द मर्द का साइड लेता है, मैं तुम्हारा साइड नहीं लूंगा। मैंने कहा ठीक है। But he was helping you as a friend. हाँ, उसके बाद फिर ये ऑन एयर हुआ तो इससे मुझे जो है नेगेटिव फेम मिला, लोगों ने बोला ये तो झूठी है, पहले कुछ और बोल के अभी उसी आदमी से ये माफ़ी मांग रही है। मुझे बहुत मतलब डिग्रेड किया लोगों ने, इतना गंदा गंदे कॉमेंट्स, इतनी गंदी गंदी बातें बोली कि तुम्हें सही किया, तुम्हारे शौहर ने छोड़ा, उसने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने उसको छोड़ा था। लेकिन मेरे इस माफ़ी वाले इंटरव्यू के बाद से लोगों को लगा कि उसने मुझे छोड़ा था क्योंकि मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना बैठ के। हाँ, लेकिन सच वो था जो मैंने आपके यहाँ बताया, ये बिल्कुल सच नहीं था। ये था कि तुम अगर ये करोगी तो मैं तुम्हें बच्ची दे दूंगा, उसके बाद भी मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है जब नहीं मिली तो मैं सच ही बताऊं ना आके, फिर मैं वापस आ गई। ओके, एक मिनट मुझे बताओ केस में ऐसी कौन सी बात आई जिस वजह से एक माँ से बच्ची ले दी गई? मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि 4 साल की बेबी को माँ बहुत जरूरी है। और जब केस का फैसला हो रहा था तब वो थी 2 साल 2.5 साल की। 2 साल की बच्ची को कौन लेता है? जब वो यहाँ पे आपके शो में लास्ट आई थी तब वो 2.5 साल की। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि वो 8-9 साल की बच्ची को ये ग्राउंड देते हैं कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन 2 साल और इसमें आई डोंट अंडरस्टैंड ऐसा क्या हुआ कि ऐसा ये हुआ ना, ये मेरा सोशल मीडिया, मेरी वीडियोस, मेरे अकाउंट। तो मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया में हम औरतें भी हैं, बहुत सारी औरतें भी हैं, आई डोंट थिंक सो, सोशल मीडिया में क्यों ऐसे ये रखा ना बेस कि मैं बच्ची को टाइम नहीं दे सकती। उसने ये दिखाया कोर्ट में, जज के सामने उसने ये दिखाया कि मैं बच्ची को टाइम नहीं दे सकती हूँ, और बच्ची को टाइम नहीं देगी तो मैं टाइम नहीं दूंगी तो वो बच्ची बिगड़ जाएगी, और वो बच्ची बिगड़ जाएगी तो वो मेरी बेटी है, वो कैसे बिगड़ जाएगी? तो तुम टाइम क्यों नहीं दे पा रही? ऐसा मैंने तो नहीं बोला ना, मुझसे तो पूछा ही नहीं गया कि मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो टाइम सारा कोर्ट ने खुद ही डिसाइड कर दिया ना, मुझसे नहीं पूछा। मतलब कोर्ट ने तुमसे कुछ, लॉयर्स ने आपस में बात की और उस लॉयर्स की बात पे फैसला ये हुआ कि एक हफ्ता तुम्हारे पास रहेगी, एक हफ्ता तुम्हारे पास। हाँ, तो अभी ये फुल टाइम क्यों चली गई तुमसे? अब सिर्फ सैटरडे संडे आती है मेरे पास क्योंकि स्कूलिंग, उसने बोला अगर तुमने मुझसे इस बात पे बहस करी कि स्कूलिंग तुम्हें करनी है, मैं एक और केस कर दूंगा। फिर मैं कोर्ट से बच निकली क्योंकि कोर्ट जाना, खड़े होना,
ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा ठीक है मुझे मिलने तो दिया करोगे ना, तो उसने बोला हाँ सैटरडे संडे जब स्कूल ऑफ हुआ करेगा तब तुम्हारे पास मनी आएगी। Okay. तो उसने मुझे फिर से वो दिया था वार्निंग कि अगर तुमने इस पे भी वो किया ना, ये जो हफ्ता हफ्ता हो रहा है ये मैं नहीं चाहता, ये हो स्कूल मेरे पास से जाए, सैटरडे संडे तुम्हारे पास है, अगर तुमने इस पे भी ऑब्जेक्शन किया, इस पे भी तुम मसला हुआ तो मैं फिर एक और केस कर दूंगा। मैं डर गई, ठीक है। तो इस शो के बाद एक और केस नहीं होगा? इस शो के बाद क्या केस होगा पता नहीं, कोई केस नहीं होगा शो के बाद। क्यों केस होगा शो के बाद पता नहीं, वो और चिढ़ जाएगा। नहीं क्यों चिढ़ेगा, मैं मुझे चिढ़ना चाहिए ना कि एक कोर्ट का फैसला है हफ्ते हफ्ते वाला, हाँ। मेरे पास वो हफ्ते भी नहीं आ रही है, मैं इस पे अगर सवाल करूंगी तो वो कह रहा है कि मैं केस कर दूंगा, तो केस करना है तो कर दे, मेरे पास वैसे भी कौन सा आ रही है। फिर तुम क्यों, मतलब अगर ये कोर्ट का फैसला है तो ये हफ्ते हफ्ते होना ही चाहिए, होना ही चाहिए ना। और तुम आई बिलीव बीइंग अ मॉम, मुझे याद है जब आई 2-3 साल का था एंड मैं उससे दूर ही नहीं रह पाती थी, नहीं रह पाती मैं, बिकॉज वो बिल्कुल लाइक एक बॉन्ड होता है, आपको वो चाहिए होता है, इट्स लाइक अ ड्रग। हमेशा जब मैं इधर भी होती थी, अम्मी भी होती थी घर पर, आई वॉज ऑलवेज लाइक वो क्या कर रहा है, मैं हमेशा कॉल करके पूछती थी क्या कर रहा है, वीडियो कॉल, ये सारी चीज़ें। तो हाउ आर यू स्टेइंग? मुझे भी बहुत मुश्किल होती है, और मेरी तो इवन फोन पे बात भी नहीं कर सकती ना मैं तो। क्यों नहीं अलाउ ना, ये सारे केस है कि एक एक हफ्ते तुम्हारे पास, एक हफ्ते तुम क्यों नहीं केस कर रहे? मैं केस करती हूँ तो मुझे और मसले हो जाते हैं, क्योंकि मुझे डर लगता है कि और उल्टे ऊपर उसके ऊपर कोई केस ना कर दे। मुझे ये डर लगता है ये जो 2 दिन भी मेरे पास आ रही है ना, ये 2 दिन के लिए भी मेरे हाथ से ना चली जाए, वो कोई ऐसा केस कर दे, वो कोई ऐसा चीज़ दिखा दे, पता नहीं क्या करे वो, क्या नहीं करे, ऐसा क्या है उसके पास तो वो दिखा। बीवी थी माँ, उसको कुछ भी दिखा सकता है, बीवी की कोई कुछ ऐसी चीज़ थोड़ी दिखाएगा, वो दिखा सकता है। उसने मुझे ये भी वार्निंग की थी कि मुझे ऐसा नहीं दिखाना, मुझे तुम्हें गलत दिखाने में 2 मिनट नहीं लगेगी कोर्ट में, तो इसलिए गलत। अब वो गलत किस सेंस में दिखाना चाहता है ये मुझे भी नहीं पता, अब ये उसको पता होगा, उसकी दिमाग की प्लानिंग होगी, मुझे नहीं पता वो किस सेंस में गलत दिखाना चाहता है। उसने कहा था मुझे तुम्हें गलत बताने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, तुम अगर तुमने केस किया तो देखो तुम्हारे हाथ से ये 2 दिन के लिए भी चली जाएगी, अभी मैं भेज रहा हूँ 2 दिन के लिए, तुम्हारे हाथ से ये 2 दिन के लिए भी चली जाएगी। हम इस गुफ्तगू पर बात करेंगे एंड आई थिंक दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप एक औरत से शादी करते हो और आप जब बेबी भी होता है उसके साथ, फिर आप उसको गलत क्यों दिखाना चाहोगे, बिकॉज वो आपके बच्चे की माँ है। आई थिंक दैट जितने भी मर्द उनको ये लगता है कि और जितनी भी औरतें भी उनको ये लगता है अगर मियाँ बीवी नहीं चले कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक तमीज़ और लिहाज का रिश्ता रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग के साथ बच्चे होते हैं सो यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि वो आपके बच्चों के बाप होता है और आपके बच्चे। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है अगर आप लोगों को मिलो उनको खुशी खुशी में मिलना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, कोर्ट के तुमने इतने चक्कर करे, बहुत दूसरी औरतें भी होंगी, हाँ ये बाकी जब इंसान खड़ा होता है लाइन पर तो दूसरे के केसेस भी देखते हैं, तो मुझे बताओ हाउ इज इट फॉर अ वुमन के कोर्ट के चक्कर में जस्टिस मिलता है? मैंने देखा है ज़्यादातर ना औरतों को कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो आपके बच्चे की कस्टडी हो, इसमें ना कोर्ट आपको औरत को जस्टिस पता नहीं क्यों नहीं देती है, हमेशा औरत को गलत कर दिया जाता है। हमारे माशरे में भी लोग जो है वो औरत को गलत कर देते हैं, अगर एक मियाँ बीवी है अगर उनकी तलाक होती है तो बोलते हैं इस औरत ने कुछ किया होगा जब भी इसके शौहर ने इसको छोड़ा होगा। मुझे जो आजकल कमेंट्स आते हैं ना, मतलब उस टाइम से जब से मैंने अपनी स्टोरी बताई हुई है, मुझे ये कमेंट आते हैं यही खराब थी इसके शौहर ने इसको इसलिए छोड़ा है, मतलब औरत को गलत कहते हैं, कभी भी मर्द की गलती देखते ही नहीं है। लेकिन ये भी देखा जाए कि अगर वो मर्द है असल में, जैसे मियाँ बीवी अगर दो एक दूसरे का लिबास होते हैं, अगर आपने शादी की है ना किसी से तो आप उसका पर्दा रखोगे, उसमें आपकी